नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ परीश शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। सरकारी सती के मंडी पहुंचने पर युवाओं ने किया जोरदार स्वागत, मिशन 2012 पर किया गया विचार विमर्श। पंचायत समिति सदस्य ने किया बैठक आयोजन, कहा सरकार जल्द माने उनकी मांगे, अन्यथा पूरे प्रदेश के सदस्य करेंगे रिजाइन। पुलिस महकमे ने किया पटल मैदान में सफाई अभियान का आयोजन, एसपी सहित सभी पुलिस कर्मचारियों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। और क्रिकेट के बहाने अजय राणा ने किया राजनीतिक आगाज, निहरी में हजारों की संख्या में भीड़ जुटा कर दिया जनता में पैठ होने का प्रमाण। के न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं भीमाकाली मंदिर में हुई बैठक की। मंडी शहर के भीमाकाली मंदिर में हिमाचल प्रदेश समिति महासंघ की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने भाग लिया। बैठक के दौरान समिति सदस्य ने बताया कि सरकार इनके साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर गौर नहीं किया तो पूरे प्रदेश में पंचायत सदस्यों द्वारा सरकार के खिलाफ विरोध किया जाएगा। इस बैठक में पंचायत समिति महासंघ के सदस्यों ने मांग करते हुए कहा कि पंचायत समिति सदस्यों का मानदेय ग्राम पंचायतों से ज्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि यह 3-tier सिस्टम है। यदि सरकार ने इस मांग को पूरा नहीं किया तो प्रदेश के पंचायत समिति के सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष रिजाइन कर सकते हैं। कि पंचायत समिति सदस्यों का जो मानदेय आप बढ़ाएंगे, जो हमारे को आश्वासन दिया है, वो ग्राम पंचायत से प्रधानों से ज़्यादा, क्योंकि 3-tier सिस्टम है। कहीं तो हम ऊपरी सदन है, वहाँ बैठे हुए हैं हम, और मानदेय ये हमारी मांग है। यदि सरकार इस मांग को हमारे को जायज नहीं मानती है तो पूरे प्रदेश के पंचायत समिति सदस्य और अध्यक्ष उपाध्यक्ष सामूहिक रूप में रिजाइन करेंगे। परंतु उससे पहले जो इस सरकार ने मिशन रिपीट 2012 चला रखा है, जो ये लोकप्रिय जो इनकी सरकार है, जन कल्याणकारी जो इन्होंने सुविधा दोनों लोगों को दी है, इसको कार्य कौन करते हैं? पंचायत समिति मेंबर फील्ड में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को ले जाते हैं। और अब बात करते हैं सतपाल सती की मिशन की। मिशन 2012 को कामयाब बनाने की एवज में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आज मंडी के युवाओं के बीच पहुंचे, जहां युवाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हिमाचल प्रदेश के जिला स्तरीय चुनाव की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर सती ने जहां मिशन 2012 रिपीट कार्यकर्ताओं को बताया, वहीं कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव को नजदीक आते देख बीजेपी की नीतियों के बारे में लोगों से अनाप शनाप बोलते रहते हैं। साथ ही सती ने दावा ठोका कि आने वाले चुनाव में धूमल सरकार ही सत्तासीन होगी। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया। इसमें 2012 में चुनाव होने हैं, उन चुनावों की तैयारी के लिए पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनके इस तरह के जिला स्तर पर हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं, और उनको सरकार के द्वारा पिछले 5 वर्षों में जो काम किए गए हैं उन कामों की जानकारी दे रहे हैं, ताकि गांवों में जाकर के वो पार्टी के हित में प्रचार कर सके। और मिशन रिपीट का जो हमने नारा दिया है, उस नारे को सिरे चढ़ा करके एक बार से दोबारा प्रोफेसर प्रियंका धूमल जी के नेतृत्व में सरकार बनाएं, जो एक नया इतिहास है हिमाचल प्रदेश में हम रचना चाहते हैं, उसकी तैयारी के लिए ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। यह है कि वो लोगों में भ्रांतियाँ बनाना शुरू करते हैं, और उन्होंने भ्रांतियाँ फैलाना शुरू भी कर दी है। जैसे 5वां वर्ष शुरू हुआ, प्रदेश बिक गया, प्रदेश में विकास नहीं हुआ, प्रदेश में भ्रष्टाचार हो गया, प्रदेश सरकार ने रोजगार नहीं दिया, सरकारें तोड़ करके अपनी सरकारें बनाती रही, और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस देश में, चाहे प्रदेशों में हमारी सरकारें बनी, चाहे 1977 की जनता पार्टी के गठबंधन में हम लोग रहे, हम लोगों ने हमेशा महंगाई को रोकने की कोशिश की। और खबर में रुक करते हैं पालमपुर का। सुलह विधानसभा के अंतर्गत विकास खंड भेड़ू महादेव के बाल विकास परियोजना अधिकारी के सौजन्य से 225 आंगनवाड़ी केंद्रों का जागरूकता शिविर डरोहो के अंबेडकर भवन में आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार ने की। इस शिविर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बेटी है अनमोल, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, अटल स्वास्थ्य योजना, मदर टेरेसा योजना के बारे में गीतों और नाटकों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया।
इस अवसर पर विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा कि भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा व श्राप जैसी कुरीतियों को दूर करने के कार्यक्रमों में आंगनवाड़ी केंद्रों के वर्करों को श्रेय जाता है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान में सुलह क्षेत्र की पंचायत डरोह को कांगड़ा में पहला स्थान व हिमाचल में तीसरा स्थान प्राप्त करना सुलह क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों को जड़ मूल से उखाड़ा जाए, दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद की जाए, शराब जैसी कुरीतियों के खिलाफ जनता में एक आंदोलन खड़ा किया जाए और संपूर्ण स्वच्छता अभियान में सुलह ब्लॉक सबसे आगे बढ़े, इसका श्रेय अगर किसी को मैं देना चाहूं तो सामने बैठी हुई बहनों को देना चाहूं, बात देना चाहूं। मैं सुलह ब्लॉक प्रथम स्थान पर अगर जिला कांगड़ा में आया और तीसरे स्थान पर प्रदेश में आया तो ठीक है, उसमें विकास खंड भेटू महादेव का योगदान है, पर उस योगदान में आपके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, इसके लिए भी मैं आपको बधाई। विपिन ने कहा कि हमें शहीदों को हमेशा याद रखना चाहिए जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। इस बार विधानसभा में फैसला लिया गया है कि पहली से लेकर दसवीं तक के बच्चों को एक वर्ष में दो बार वर्दियां दी जाएगी। इस अवसर पर पीएससी डरोह भवन निर्माण के लिए 75 लाख रुपए स्वीकृत होने की भी बात कही। वहीं विधायक विपिन परमार ने माता शबरी योजना के तहत अनुसूचित जाति के 47 परिवारों को गैस चूल्हे व डरोह व बक्सर पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्रों को 11 वाटर कूलर वितरित किए गए। के चैनल के लिए पालमपुर से दीपक राणा की रिपोर्ट। बहरहाल बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार ले चलेंगे आपको सीधे रोहांडा। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबॉन्ड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। जागृति मेडिकल सेंटर, वेयर यू कैन गेट अ फैसिलिटी फॉर एंडोस्कोपी, इकोकार्डियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज, ब्रोंकोस्कोपी, मेजर एंड माइनर ऑपरेशंस। ओपीडी एंड इंडोर फैसिलिटीज आर ऑल्सो अवेलेबल एट जागृति मेडिकल सेंटर। Here Dr. Manjil Kumar available 24 hours. Expenditure is reimbursable for gynae, obstetric medicine and radiology services for HP government employees, their dependents and pensioners. Ambulance facility also available. For further details, please contact Jagrati Medical Center near Government Middle School, Mandi Jugandanagar National Highway, Purani Mandi, Mandi, Himachal Pradesh. आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटा केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडॉन्टिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहां उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहां विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहां एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। और अब आपको ले चलते हैं सीधे रोहांडा। देर रात रोहांडा में खिमीराम ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें खिमीराम ने दावा किया कि प्रदेश सरकार वनों के संरक्षण के लिए कृत संकल्प है।
प्रदेश वन मंत्री पंडित खीमीराम ने वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार वनों के संरक्षण के लिए कृत संकल्प है। हाल ही में टीडी के अधिकार बहाल करना, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों को कम कीमत पर लकड़ी मुहैया करवाना, अग्निकांड में पीड़ितों को इमारती लकड़ी मुहैया करवाना तथा नेशनल पार्कों में सड़ रही लकड़ी को निगम के डिपो पर पहुंचाना सरकार के ऐतिहासिक फैसले हैं। अगर कई स्कूल है जंगल के आसपास बिल्डिंग है उसको भी निकाला गया। अभी हमने 4 इंच तक की जो पानी की पाइप है वो जैसे वादी जगह जाती है वैसे ही नेशनल पार्क में भी जाएगी और वाइल्ड लाइफ एरिया में भी जाएगी। बिजली की लाइनें भी जाएंगी, इसकी टेलीफोन की भी जाएंगी और जहां स्कूल या हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स वगैरह है वो भी वहाँ बना सकते हैं। और दूसरा टीडी के लिए इस बार जो महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया है कि टीडी की पॉलिसी बन गई है, नीति बन गई है और उसमें जो है वो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को जो है वो बना के जो उनकी जंगल में कोई उनको पेड़ दे रहे, लेकिन डिपार्टमेंट जो है फर्स्ट डिपार्टमेंट जो है खुद उस लकड़ी को स्लीपर। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बंदरों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है, इसके लिए प्रदेश में 21 नए नसबंदी केंद्र खोले जा रहे हैं। अब तक 5 लाख बंदरों में से 50,000 बंदरों की प्रदेश में नसबंदी की जा चुकी है। इस मौके पर उनके साथ पार्टी से जुड़े कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। के चैनल के रोहांडा से रमेश यादव की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं पुलिस विभाग की। अब तक आपने पुलिस विभाग के कई चेहरे देखे होंगे, लेकिन आज पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों का वो चेहरा हम आपको दिखाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और एक खास बात ये, जो नारा मंडी के लिए दिया गया था वो जो स्वस्थ मंडी स्वच्छ मंडी, उसे पुलिस विभाग द्वारा तवज्जो दी जा रही है। एक रिपोर्ट। जरा गौर से देखिए इन लोगों को, इन्हें देखकर आप ये मत समझ बैठिएगा कि ये कोई सफाई कर्मचारी है। जी नहीं, ये सफाई कर्मचारी नहीं है बल्कि पड्डल मैदान में काम कर रहे और सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए सफाई अभियान में जुटे हैं मंडी के पुलिस अधिकारी व कर्मचारी। ये पुलिस वाले मंडी को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने के लिए मंडी शहर से सटे एरिया की सफाई में जुटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इस सफाई अभियान में सिर्फ छोटे औहदे पर बैठे लोग ही काम कर रहे हैं, बल्कि इस अभियान में स्वयं एसपी मंडी अभिषेक डुल्लर भी काम कर रहे हैं। एसपी मंडी अभिषेक डुल्लर खुद भी मिट्टी को उठाते हुए और सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। पड्डल मैदान में पुलिस विभाग के लोग सफाई अभियान में जुटे हुए हैं, जो सबके लिए एक सबक लेने वाली बात है, खासकर नगर परिषद को। एसपी मंडी के मुताबिक शहर की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए नगर परिषद के कर्मचारी भी इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे लगे कि ग्राउंड और सराउंडिंग एरिया पड्डल के आसपास वाले इलाके की सफाई के लिए पुलिस विभाग द्वारा आज ये श्रमदान ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है और इसमें एमसी का पूरा सहयोग मिल रहा है और एमसी के भी सफाई कर्मचारी हमारे साथ लगे हुए हैं इस काम में। आज मंडी पुलिस द्वारा जो ये सफाई अभियान हमारे यहाँ पे पड्डल ग्राउंड में चलाया जा रहा है, ये एक बहुत ही पुलिस विभाग द्वारा एक सराहनीय कार्य जो है वो। स्वच्छ मंडी और स्वस्थ मंडी को बनाने का बीड़ा जो पुलिस विभाग द्वारा उठाया गया है, ये वाकई काबिले तारीफ है। इस तरह के आयोजन भविष्य में भी होते रहने चाहिए और नगर परिषद और वार्ड के पार्षदों को भी इस आयोजन से सीख लेनी चाहिए कि कैसे मंडी को स्वच्छ बनाया जाए। के चैनल के लिए कैमरामैन अजय के साथ परी शर्मा की रिपोर्ट।
बहरहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए केचन। प्रिंट इंडस्ट्री में हिमाचल के बढ़ते कदम, डोमिनेट ऑफसेट मशीन एंड फुल कलर फ्लेक्स प्रिंटिंग एंड डिजिटल प्रिंटिंग फैसिलिटी अब मंडी में भी उपलब्ध है। अब मंडी होगी कलरफुल, ऑल प्रिंटिंग फैसिलिटी अंडर वन रूफ। विभिन्न प्रकार की रंगीन प्रिंटिंग के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। पिछले 15 वर्षों से कार्यरत ISO 9001:2008 सर्टिफाइड एकमात्र प्रिंट यूनिट नारायण आर्ट प्रिंटर्स दे रहे हैं आपको ये सुविधा आपके अपने शहर में। अपनी हर प्रकार की प्रिंटिंग जॉब लाएं नारायण आर्ट प्रिंटर्स में और अपने समय और पैसे की बचत करें। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें नारायण आर्ट प्रिंटर्स, 284/3 जेल रोड, मंडी, हिमाचल प्रदेश। Sai Valley Hospital and Trauma Center, Kanad, Sundarnagar is now associated with Banga Hospitals Private Limited. Sai Valley Hospital में उपलब्ध है बेहतरीन डॉक्टर्स की एक पूरी टीम। डॉक्टर एम ए बासित, हड्डी रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर रिचा बासित, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर अनिल बजाज, मेडिकल स्पेशलिस्ट। डॉक्टर सिजो जोन, शल्य एवं दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन के विशेषज्ञ। साई वैली हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाओं की बात करें तो यहाँ उपलब्ध है ऑपरेशन थिएटर विद सीआर। यहाँ होते हैं रीढ़ की हड्डी व जोड़ों के ऑपरेशन व दूरबीन द्वारा इत्ते की पथरी के ऑपरेशन, टीएमटी, आईसीयू, मेजर एंड माइनर ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, जनरल एंड प्राइवेट रूम्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट साई वैली हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, कनाड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अजय राणा ने उप तहसील मुख्यालय निहरी में क्रिकेट ट्रॉफी के बहाने एक विशाल रैली का सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में अपनी पैठ होने का जहां प्रमाण दिया, वहीं इस रैली ने क्षेत्र में राजनीतिक हलचल भी पैदा कर दी है। निहरी महाविद्यालय स्थापना एवं विकास समिति के सौजन्य से आयोजित क्रिकेट ट्रॉफी का शुभारंभ करने पहुंचे अजय राणा का निहरी के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वह इस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा लोगों के साथ है। निहरी में कॉलेज बने इस मामले में मैं आपके साथ हूं। उन्होंने कहा कि जब तक धूमल की छत्र छाया उन पर रहेगी और धूमल सूबे के मुखिया रहेंगे, निहरी में कॉलेज अवश्य खुलेगा। विकास के लिए और भी दुरुपयोग करना पड़ेगा तो ऐसा दुरुपयोग बार बार करते रहेंगे, ग्राउंड बना के देंगे, सब कुछ करने में आगे बढ़ेंगे, आपके साथ चलेंगे। और मुझे खुशी है निहरी की जो जनता है ये जागरूक है अपने अधिकारों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर। 72 की अगर बात करें, जब से हिमाचल प्रदेश बना है परमार के मंत्रिमंडल में, यहां से आप लोगों ने मंत्री बना के दिया है, यहां से आपने मंत्री उस वक्त जिता दिया था जब परमार यहां के हिमाचल प्रदेश में पहली बार अस्तित्व में हिमाचल आया था। और मुझे यह भी मालूम है यहां के साथ कितनी जागरूकता है पहाड़ों में। 1972 में जनसंघ का दीपक लेके ठाकुर गंगा सिंह यहां से विजयी हुए थे और यहां रूलिंग थे, कितना जोरदार कॉम्बिनेशन यहां की जनता ने दिया था। इस मौके पर आयोजक समिति द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है, जिसमें प्रदेश के प्रसिद्ध लोक गायक कुलदीप शर्मा, धीरज शर्मा व मुस्कान ठाकुर ने अपनी सुरीली आवाज से निहरी वासियों का भरपूर मनोरंजन किया। गौरतलब है कि अजय राणा सुंदरनगर हल्के से विधानसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक है, जिसके लिए वो पिछले काफी अरसे से प्रयासरत भी है। हालांकि यहां से वर्तमान समय में रूप सिंह ठाकुर विधायक है और उनका टिकट काटना मुश्किल कार्य है, लेकिन जिस रफ्तार से अजय राणा क्षेत्र के लोगों के विकास कार्य करवा कर अपनी पकड़ दिन ब दिन मजबूत बनाते जा रहे हैं, उससे सुंदरनगर हल्के में आगामी समीकरण बदलने के आसार पैदा होना शुरू हो गए हैं। के चैनल के लिए सुंदरनगर से रमेश यादव की रिपोर्ट।
और अब आपको ले चलते हैं बैजनाथ की ओर। बैजनाथ में स्थित ब्रह्म कुमारी आश्रम में अलौकिक जन्म दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस अवसर पर वो दो माताएं विशेष रूप से शामिल हुई, जिन्हें 11 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस मौके पर लोगों ने ब्रह्म कुमारी सुनीता व स्वर्णा को अलौकिक जन्म दिवस पर बधाई भी दी। इस मौके पर मंडल के ब्रह्म कुमार व ब्रह्म कुमारियों ने शिरकत की। इस समारोह में जिला परिषद सदस्य व कांग्रेस सेवा दल संगठन तिलक राज विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर आश्रम प्रभारी बीके सुलक्षणा ने कहा कि 11 वर्ष पहले दो माताओं ने बैजनाथ स्थित ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शिरकत की थी, जिन्हें आज 11 साल पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वह उनके अलौकिक जन्म दिवस को मनाते हैं, जिसके द्वारा अनेक आत्माओं को परमपिता परमात्मा का संदेश पहुँच जाता है। सतयुग के राजकुमार और राजकुमारी, उसी उपलक्ष में आज का उन्हीं के याद में जो है ये जन्मदिन के उपलक्ष में ब्रह्मा भोजन रखा गया है। जिस ब्रह्मा भोजन की आज ये महिमा है कि इस ब्रह्मा भोजन को जो है वो देवताएं भी तरसते हैं, क्योंकि परम पिता परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन जो है और परमात्मा को भोग लगाते हैं। सुलक्षणा ने कहा कि इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर ब्रह्म भोज का भी आयोजन किया गया है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। गौरतलब है कि जिस तरह से बैजनाथ में अलौकिक जन्म दिवस का आयोजन किया गया, ये वाकई काबिले तारीफ है। इससे न केवल ईश्वर को आत्माओं का संदेश पहुंचता है, बल्कि खुद इंसान भी ईश्वर को अपने पास ही समझता है। केश चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं आनंद शर्मा की रैली की। जिला कांगड़ा में आगामी चुनावों के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटे कांग्रेसी दिग्गजों की रैलियों का आगाज होने लग गया है। 10 अप्रैल को आनंद शर्मा कांगड़ा में एक भव्य रैली का आगाज करेंगे। यह जानकारी प्रदेश कांग्रेस चार्जशीट कमेटी के अध्यक्ष और नगरोटा विधानसभा के विधायक जीएस बाली ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। बाली ने कहा कि 10 अप्रैल को जिला कांगड़ा कांग्रेस कमेटी कैबिनेट मंत्री आनंद शर्मा का भव्य स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आनंद शर्मा का कांगड़ा के हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत होगा और उसके पश्चात उनको पालमपुर ले जाया जाएगा। उनके स्वागत के लिए गग्गल हवाई अड्डे से लेकर पालमपुर तक 51 भव्य गेट लगाए जाएंगे। 101 गाड़ियों के काफिले के साथ 151 मोटरसाइकिल साथ में चलेंगे। आनंद शर्मा जी बहुत महत्वपूर्ण महकमे को देखते हैं और दो दो महकमे देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ा ये हमारा भाग्य है कि वो देवभूमि में आ रहे हैं और उन्होंने कांगड़ा को सबसे पहले चुना, तो उनका भव्य स्वागत होगा। हजारों की संख्या में उनको लोग कांगड़ा के एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे, उसके बाद उनको प्रोसेशन में वहाँ से पालमपुर तक ले जाया जाएगा। 51 थ्रोन द्वार लगेंगे, 101 गाड़ियाँ साथ में चलेंगी, 151 मोटरसाइकिल साथ में चलेंगे। ये सारा एक भव्य उनका स्वागत होगा पूरे रास्ते में। जितना ये 41-45 किलोमीटर का सफर है वो एक ऐतिहासिक रहेगा। बाली ने बताया कि उनके द्वारा भाजपा के खिलाफ बनाई गई चार्जशीट तैयार है, उसको बहुत जल्द कांग्रेस हाईकमान को सौंप दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 90% मंत्रियों की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है और इस चार्जशीट को लोगों के सामने सार्वजनिक करना इस कमेटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वार्ता के दौरान बाली ने कहा कि उनका कोई भी कैंप नहीं है, कांग्रेस कमेटी सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी की लीडरशिप के बैनर तले काम कर रही है। और एक बात और कि ये जो आप लोग भी लिखते हैं कैंप, जैसे मेरा कोई कैंप नहीं है ना, मैं किसी कैंप से क्या मतलब है। देयर इज नो कैंप ऑफ डीसीसी प्रेसिडेंट चोई साहब का कैंप, किसी का कोई नहीं है। एक कैंप है सोनिया गांधी एंड कांग्रेस पार्टी। लेट अस बी वेरी क्लियर, देयर इज नो कैंप, देयर इज नो लीडर ऑफ द पार्टी। दैट यू शुड आस्क वीरभद्र सिंह। देयर इज नो कैंप, आई एम सेइंग देयर इज नो कैंप, एंड इफ समबडी इज सिलेक्टिवली डूइंग समथिंग इट इज फॉर देम टू गिव अ रिप्लाई टू दैट। जिस तरह की बयानबाजी बाली ने की है कि उनका कोई कैंप नहीं है, इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी में कितनी एकता है। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपजीत निपी की रिपोर्ट। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही, परिचर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।